हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। बच्चों, सीयूटी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो और परेशान हो कि सर सीयूटी में किस तरह से हमें सक्सेस मिलेगी, किस तरह से हमारा एडमिशन होगा, कितने नंबर हमें लाने चाहिए, कैसे लाने चाहिए कि हमारा जो ड्रीम कॉलेज है, जो हमारा ड्रीम कोर्स है, जो हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसमें हमें एडमिशन मिल सके। तो इसका पूरा फंडा आज हम समझेंगे कि आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर। क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ना सिर्फ सीयूटी बल्कि जो बाकी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे वहाँ पर भी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे आप अपना परसेंटाइल बढ़ा सको। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है परसेंटाइल। अभी तक आप जो क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, आप परसेंटेज निकालते आ रहे हो कि फलाने स्टूडेंट की इतनी परसेंटेज थी तो वो फर्स्ट आ गया, दूसरे स्टूडेंट की इतनी परसेंटेज थी तो वो सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। इस तरीके से आप परसेंटेज ही अभी तक पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब जो सीयूटी का जो स्कोर है या नॉर्मली जितने भी कंपिटिशन एग्जाम होते हैं उन सभी के अंदर हम पढ़ते हैं परसेंटाइल। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको 100% कैसे लेकर आना है सीयूटी एग्ज़ाम के अंदर। आप 100% कैसे ला सकते हो, इवन बिना सारे क्वेश्चन सॉल्व करे भी आप 100% ला सकते हो। पता है आपको ये बात कि आप पूरे के 200 आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, आप अलग अलग उसके डोमेन के अलग और जनरल टेस्ट के अलग हैं। तो अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं, 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं, तो उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने पर आपको 100% मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए फिर भी आपका 100% नहीं आया, आपने अगर सिर्फ 40 में से मान लो 30 क्वेश्चन कर दिए फिर भी आपका 100% आ सकता है, कैसे आ सकता है ये सारा फंडा हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि 100% लाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं बेसिक कि आपको परसेंटेज और परसेंटाइल में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम दोनों चीज़ पढ़ते हैं, परसेंटेज हम पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटाइल हम पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो परसेंटेज आप निकालते हो तो आप बाकी स्टूडेंट से अपना कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी परसेंटेज आती है लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपने टोटल एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं आपके वो 500 के आपके टोटल मार्क्स थे और 500 में से आपके जो 400 मार्क्स आ गए, तो 500 में से 400 लिए तो आपने निकाल ली अपनी परसेंटेज की, भाई मेरी परसेंटेज कितनी आई है। तो यहाँ पर आपने 500 रखा इनटू में 100 निकाला, तो इसी तरह से आप निकालते हो परसेंटेज। तो आपने कहा कि मेरे 80% मार्क्स आए। अब ये 80% मार्क्स आपके तो आए लेकिन यहाँ पर आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो बाकी क्लास से कि बाकी क्लास से आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, बाकी जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स कैसे आए, उनके कंपेरिजन में आपके मार्क्स कैसे आए। लेकिन कंपिटिशन एग्जाम में क्या होता है, कंपेरिजन होता है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं परसेंटाइल। अब इस परसेंटाइल का फंडा क्या है, देखिए परसेंटाइल आप निकालते हैं। मान लो कि आपने आपका जो टेस्ट है मान लो 200 मार्क्स का टेस्ट है। अब 200 मार्क्स में से आपके आपने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सारा स्कोर मिला लोग आपका 100 मार्क्स का आया मान लेते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा आएगा मुझे उम्मीद है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि 100 मार्क्स आपके आए। अगर मैं इसको परसेंटेज में काउंट करूँ तो 200 का 100 सीधा आप निकालोगे 50% आ गया। ठीक है, ये 50% आ गया। लेकिन अगर मैं इसको परसेंटाइल में निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पर कि जितने मार्क्स मेरे आए हैं उससे कम स्टूडेंट कितने हैं, उससे कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं। सपोज आप जो टेस्ट था उसके अंदर 1000 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, उस 1000 स्टूडेंट में से मान लो 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100 से कम मार्क्स आए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100 से कम मार्क्स आए हैं। तो आप परसेंटाइल कैसे निकालोगे, जो जितने स्टूडेंट के मार्क्स 100 से कम आए यानी जो आपका स्कोर है उससे कम आए हैं। आपके स्कोर को देखना है यहाँ पर, आपके स्कोर से 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम है, तो 800 हम रखेंगे ऊपर। अपीयर्ड कितने स्टूडेंट हुए थे, 1000 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया इनटू में 100 का आप करोगे तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास 80%। ये बनेगा 80%, यानी परसेंटेज में जो मार्क्स आपके 50% थे परसेंटाइल में 80% है। यानी आप क्लास में 80% स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आपसे नीचे 80% स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से निकालते हैं परसेंटाइल। अब आपको ये देखना है कि आप सीयूटी के अंदर परसेंटाइल कैसे ला सकते हो, पूरा 100 का 100 भी कैसे ला सकते हो। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो क्या सिचुएशन आएगी आपके सामने, आपके सामने या तो आपका पेपर बहुत ईजी लेवल का आएगा या आपका पेपर मॉडरेट आएगा या आपका पेपर हार्ड आएगा। अब अगर बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें, हम ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें, पेपर अगर हार्ड आता है तो परसेंटेज डाउन आ जाती है, पेपर आसान आता है तो परसेंटेज अप हो जाती है।
लेकिन सीयूटी एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। वहां पर लेवल कोई सा भी हो, आपको परसेंटाइल करनी है। मान लो इजी लेवल का पेपर आया, तो इजी लेवल का पेपर सिर्फ आपके लिए तो इजी नहीं होगा ना, वो तो सभी के लिए इजी होगा। ऐसे अगर मॉडरेट पेपर आता है तो वो किसके लिए होगा, खाली आपके लिए होगा या सबके लिए होगा? सबके लिए होगा। हार्ड लेवल का पेपर आएगा तो वो भी तो भाई सबके लिए होगा। मान लो इजी लेवल का पेपर आ रहा है, इजी लेवल का पेपर आ रहा है, आपने 200 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपने 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपके जो मार्क्स हैं टोटल 190 आ गए। तो यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि जो 190 का स्कोर है उससे कम लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। मान लो कि 190 से जितने भी और स्टूडेंट हैं उनका स्कोर सभी का 190 से नीचे रहता है, तो मतलब आपका परसेंटाइल क्या बन गया, आपका परसेंटाइल पूरा बन गया, 100 का 100 बन गया। ठीक है, आपका परसेंटाइल पूरा 100 का 100 बन गया, ऑलमोस्ट 100 बन गया, 99 point something होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 हो गया ना। तो अगर सेम आप मॉडरेट टेबल का पेपर देने जा रहे हो और आपने 200 में से सिर्फ आपके मार्क्स आए 150, अब आपके जो बाकी स्टूडेंट थे साथ में उनके मार्क्स तो 150 से कम है, तो यहाँ पर भी आपका पूरा 100 percentile बन गया। अगर आप यहाँ पर हार्ड लेवल का पेपर देने जा रहे हो और भाई बहुत मुश्किल करने के बाद भी आपके 100 marks आए, तो ये हार्ड पेपर सभी के लिए तो होगा, तो 100 students आपके 100 marks आए और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 100 से नीचे हैं, यानी यहाँ भी आपका परसेंटाइल जो है वो पूरा का पूरा बन गया। तो पेपर चाहे ऐसा है, पेपर ऐसा है, पेपर ऐसा है, कैसे भी सिचुएशन आए, 100 percentile स्कोर आपका डेफिनेटली बन सकता है। बस आपको सही तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है और एग्ज़ाम के अंदर एक स्ट्रेटेजी फॉलो करने की ज़रूरत है। अब वो स्ट्रेटेजी क्या आपकी रहनी चाहिए, किस तरीके से आप एग्ज़ाम के अंदर जाओगे और किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। अब ये मान के चलो कि आप MCQ पेपर देने जा रहे हो और MCQ पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम। आपका बेसिक कंसेप्ट, आपकी नॉलेज, वो सब कुछ है, लेकिन टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। आपके पास एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे 5 number मिलेंगे और गलत करोगे तो 1 number आपका कटेगा। ऐसा है, ऐसा ही है कि आपको सही क्वेश्चन करने के 5 number मिल रहे हैं लेकिन गलत क्वेश्चन करोगे तो 1 number आपका कटेगा भी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करो अपने आप को, अपने दिमाग को स्मार्टली यूज़ करना है। आपके पास ज़रूरी नहीं है, मान लो आपको 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 40 के 40 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हों, या फिर इन 40 क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग हो। तो आपको पहले ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, और इसको पढ़ने इसको करने के लिए भी ये नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसी टाइम के अंदर ही आपको सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। ये वाली जो बात है, ये किस स्टूडेंट के अंदर आती है, वही यहाँ पर बाजी मारता है कि मेरे को किस क्वेश्चन को नो, किस क्वेश्चन को नो बोलना है। आपको ये कहते हैं ना कि लाइफ में कहते हैं कि नो बोलना सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी के काम को मना करते हो तो मना करना आपको सीखना पड़ेगा। आप सबको यस यस नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आपको मना करना पड़ेगा। तो मना कैसे करना है, किस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको मान लो आपके पास 40 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने जा रहे हो, 40 में से आपने मान लो 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, बिल्कुल सही सही आपने अटैम्प्ट कर लिए, आपके मार्क्स बन गए कितने, 150 marks आपके बन गए। अब दूसरा स्टूडेंट है, उसने 40 क्वेश्चन में से उसने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। अब 35 में से उसने क्या करा, उसके सिर्फ क्वेश्चन 25 ठीक है, लेकिन उसके जो बाकी 10 क्वेश्चन है ना वो गलत है। 25 क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो गलत है, तो इसके मार्क्स कितने बनेंगे, यहाँ बनेंगे 125 - 10, यानी 115। बहुत डिफरेंस आ गया मार्क्स के अंदर, बहुत डिफरेंस आ गया मार्क्स के अंदर। तो अटैम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही अटैम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। ये चीज़ पर आप प्रैक्टिस करो, इस चीज़ को समझो जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो कि कौन सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन तो आपका आता होगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन आपको आता होगा, तो उस क्वेश्चन को करने का भाई कोई बेनिफिट नहीं है। पहले उस क्वेश्चन को करो जिसमें टाइम आपका कम लगेगा, कम से कम टाइम लगेगा। अगर मैं अप्लाइड मैथ्स की बात करूँ तो सेक्शन ए है, कंपल्सरी सेक्शन है, सेक्शन ए कंपल्सरी सेक्शन है, 15 questions आपको करने, और सेक्शन B2 25 questions करने आपको 35 में से, यानी यहाँ पर 10 questions छोड़ने की लिबर्टी है।
यहाँ पर लिबर्टी है, यहाँ पर मैटर करेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन लीव करते हो, कौन सा क्वेश्चन पिक करते हो। 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं कि आप इसमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ो, कौन सा पिक करो, बहुत च्वाइस है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर मैटर करेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज नहीं करते हो। 25 के 25 क्वेश्चन आप बड़े आराम से इसमें कर सकते हो। असली कहानी फंसेगी सेक्शन ए में, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी सेक्शन है। कंपलसरी सेक्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकते हैं जो आपको आते ना हो, लेकिन आप जबरदस्ती उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। अगर एक दो क्वेश्चन आपका छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बजाय कि आप उसको भैया कुछ मत करो, जीरो पे रहने दो। अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो एक नंबर आपका कम हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, दो गलत कर दिया जोश जोश में, तो दो नंबर कम हो जाएंगे, और दो नंबर जो आपके परसेंटाइल पे बहुत फर्क डालेंगे, परसेंटेज पे फर्क नहीं डालेंगे, परसेंटाइल पे बहुत फर्क डाल देंगे। तो इसलिए ध्यान से उसको करना, स्मार्टली यूज करना। सेक्शन है के 15 क्वेश्चन है, कोशिश करना है कि 15 के 15 अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो टाइम कंज्यूमिंग है, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वो गलत हो सकता है, मत करो उसको, ठीक है। बाद में उसको देख लेना, अगर टाइम मिलेगा उसमें आपको लगता है कि सही आंसर निकल सकता है तो निकालना, लेकिन उसको बाद के लिए रखना, पहले बिल्कुल मत करना। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है दोनों सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको एमसीक्यू सीरीज भी करवाऊंगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेक्शन ए में कई बार, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर चॉइस नहीं है, क्वेश्चन यहाँ भी हो सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, लेकिन क्योंकि यहाँ चॉइस है, 10 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चॉइस नहीं है, तो इस सेक्शन को बड़े ध्यान से करना। और मैं कोशिश करूंगा सेक्शन ए के लिए पर्टिकुलर एक सीरीज बिल्कुल अलग लेकर आऊँ, जिसमें सेक्शन ए के ही क्वेश्चन होंगे, ताकि आप सेक्शन ए की जो प्रैक्टिस है ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, अच्छे से अच्छा कर सको। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके सीयूटी में 100% आएंगे ही आएंगे। बस थोड़ा सा स्मार्टली अपने आप को यूज़ करना, और एग्जाम हॉल में पेशेंस बनाए रखना, कामनेस बनाए रखना, घबराना बिल्कुल भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतनी सलाह, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।